हाय दोस्तों, आज हम करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। और बहुत लॉन्ग अवेटेड टॉपिक है हमारे लिए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो अखबारों में फ्रंट पेज पे रहा था नवंबर में, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और पहली बात तो ये समझेंगे कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, करतारपुर जो है पाकिस्तान में एक जगह का नाम है, और करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मतलब है कि पाकिस्तान में ये जो जगह है करतारपुर, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, और इंडिया में गुरदासपुर करके एक जिला है, यहाँ एक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का नाम है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है करतारपुर के अंदर, ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कहलाता है। और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर एक पुल बनाया जाएगा, कॉरिडोर मतलब ब्रिज, एक ब्रिज बनाया जाएगा। ये नदी है रावी, रावी रिवर के ऊपर, ताकि जो पिलग्रिम्स हैं वो पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, इन दोनों गुरुद्वारास के बीच में फ्रीली ट्रैवल कर सकें विदाउट एनी वीज़ा एंड विदाउट इवन एनी पासपोर्ट। तो ये जो सारा खेल है, इस चीज़ को हम करतारपुर कॉरिडोर कह रहे हैं। नाउ जो करतारपुर में हम करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, वो दरबार साहिब गुरुद्वारा भी कहलाता है। और ये जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है, इट इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस इन सिखिज्म। इसका सिखिज्म में क्या सिग्निफिकेंस है? गुरु नानक जो सिख धर्म के फाउंडर हैं, उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी 16th सेंचुरी में, और करीबन 18 साल उन्होंने इस जगह पर बिताए हैं, और यहाँ की सिख कम्युनिटी को इकट्ठा किया और यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम डेरा बाबा नानक श्राइन, जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मान विलेज के अंदर है इंडिया में। और ये जो डेरा बाबा नानक श्राइन है, इससे ये जस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और लाहौर से 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर है। आप यहाँ से देखेंगे, ये लाहौर से ये जो दूरी है ये 120 किलोमीटर है, और जो गुरदासपुर है यहाँ से ये जो जगह है, दिस इज जस्ट अबाउट 4 किलोमीटर। तो ये दोनों गुरुद्वारा को कनेक्ट करते हुए जो कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा, इस फोटो में देखिए आपको क्लियरली दिखेगा, रावी नदी के ऊपर ये एक ब्रिज बन गया, और इस गुरुद्वारे से इस गुरुद्वारे आप इजीली अब ट्रैवल्स कर सकते हो। तो दिस वे वीज़ा फ्री, पासपोर्ट फ्री ट्रैवल जो है लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जो इंडियंस हैं इस गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में और इंडिया में जितने भी सिख हैं, उन सबकी ये डिमांड रही है कि ये साइट जो है वो ओपन कर दी जाए पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर का निर्माण हो। अभी तक जो गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा, ये वाला, यहाँ पे बाइनोकुलर्स फिट कर रखे हैं इंडियन गुरुद्वारे के अंदर, और जब भी इस डेरा के दर्शन उन्हें करने होते हैं तो वो यहाँ से बाइनोकुलर्स का यूज़ करके दर्शन करते हैं। सिख जट को साल में 4 बार परमिशन है, वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पर। बैसाखी, देन गुरु अर्जन देव के मार्टिरडम दिवस के दिन, और डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा रणजीत सिंह एंड बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, ये 4 ओकेजन्स जो हैं, गुरु नानक जयंती और महाराणा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि, गुरु अर्जन देव की पुण्यतिथि और बैसाखी, ये चारों दिन वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और इनको पाकिस्तान के सारे पिलग्रिम्स के अंदर, सारे गुरुद्वारा के अंदर एक्सेस मिलती है। तो ये लोग जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं, और यहाँ से जो दर्शनार्थी दर्शन करते हैं वो बाइनोक्युलर से करते हैं। देर हैड बिन डिमांड फ्रॉम द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनकी भी डिमांड रही है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी चाहते रहे हैं कि ये कॉरिडोर जो है इसका निर्माण हो। और 1999 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लाहौर के लिए बस राइड ली थी, तो उस समय भी इस जो कॉरिडोर है इसकी बात हुई थी, और पहला प्रपोजल उसी समय रखा गया था। उसके बाद डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लीडर्स ने इसके लिए कोशिश भी की है, मनमोहन सिंह है, प्रणब मुखर्जी है, एवरीबडी हैज़ केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट दिस कॉरिडोर। बट 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने स्ट्रेन हो गए कि नोबडी वाज हैविंग डेयर टू टॉक अबाउट दिस कॉरिडोर। लेकिन 2018 में व्हेन सिद्धू वेंट टू इस्लामाबाद आफ्टर इज रिटर्न, ही टोल्ड दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट इज नाउ ओपन टू डू दिस इस्टेब्लिशमेंट, एंड गुरु नानक की 550वीं बर्थ जयंती पर ये कॉरिडोर जो है ये बन करके खड़ा हो सकता है। उसके बाद इंडियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया इस डेवलपमेंट को, और दोनों कंट्री ने अपने अपने रिस्पेक्टिव फाउंडेशन स्टोन रख दिए नवंबर 2018 में।
जो सिख हैं इस एरिया में, उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म ड्रीम रहा है कि वो गुरु नानक जी की जो जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी उस जगह पर जो गुरुद्वारा है उसके दर्शन इजीली कर सकें, उसे विजिट कर सकें। और इससे पहले अगर उनको वहाँ जाना होता था तो वो पहले तो बॉर्डर क्रॉस करते थे, वाघा बॉर्डर, और 200 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करके वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी, एंड ऑलमोस्ट ऑल दी कॉम्प्लेक्सेस वर देयर। तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए इस कॉरिडोर को एग्री किया गया है। इंडिया के लिए हमेशा कंसर्न ये रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट जो रहा, सिख सेपरेटिज्म का जो मूवमेंट रहा है इंडिया में, उसके आज भी कुछ अंश हैं बचे हुए जो पाकिस्तान की टेरिटरी में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके गुरुद्वारा में सर्वाइव कर रहे हैं। और एक सिख रेफरेंडम 2022 का पोस्टर भी अभी रिलीज हुआ था रिसेंटली पाकिस्तान के गुरुद्वारा में। तो इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा कंसर्न रही है कि अगर इस तरीके से फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो मे बी कि ये जो खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के गुरुद्वारों में शरण लेने लगे और वहाँ से ये इंडियन यूथ को अपील करने लगे, सिखों को अपील करने लगे सेपरेटिज्म के लिए। तो ओवरऑल ये एक अलग प्रकार का टेररिज्म है जिसे हम सेपरेटिज्म कहते हैं, तो उसको जन्म दे सकता है ये कॉरिडोर। तो ये कंसर्न इंडिया के लिए हमेशा रही है, तो इसीलिए इस कॉरिडोर को अप्रूव होने में इतने साल भी लग गए। इंडिया भी कंसर्न था, इवन पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ नॉट गिवन मेनी हीड टू दिस। और जैसा मैंने बताया मुंबई अटैक्स जब हुए 2008 के मुंबई अटैक्स, उसके बाद ये प्रोसेस पूरी तरीके से 10 साल से इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। और ये बनने के बाद भी ये खतरा हमेशा रहेगा कि कुछ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इस कॉरिडोर का मिसयूज कर सकते हैं। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए ही इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अब ये बात आती है कि इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसको देखें तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पूरी तरीके से है, कोई ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो वो कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा डेवलप हो सकता है इस की प्रोसेसेस से। ये एक पीस एस्टेब्लिशमेंट में भी ये एक रोड स्टोन प्रूव हो सकता है ये कॉरिडोर। और ये एक फैक्ट है कि बोथ द कंट्रीज हैव एग्रीड टू दिस कॉरिडोर एंड इट शोज दैट दे आर एग्री फॉर रिकन्सिलेशन नाउ। तो मे बी एक रिकन्सिलेशन की जो प्रोसेस है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि दिस डिसीजन मे बी कंपेयर टू द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो बर्लिन वॉल गिराई गई थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में, और उसके बाद उनके संबंध अच्छे हो गए। तो मे बी ये कॉरिडोर उस तरीके से काम करे। हालांकि ये बात अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि ये एक नया फेज ऑफ कॉपरेशन होगा या ये डेवलपमेंट कहाँ तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को अपीज करने के लिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है अभी 2019 में चुनाव आ रहे हैं तो पंजाब में अपनी पोजिशन को स्ट्रांग करने के भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेप लिया हो, और सेम स्थिति पाकिस्तान में भी है, इमरान खान अपने होल्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए सब कर रहे हो, तो मे बी ये पॉलिटिकल अपीजमेंट्स का ही हिस्सा बन के रह जाए और इस तरीके से कोई पीस प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं रिकन्सिलिएशन की कोई प्रोसेस रिजल्ट ना हो। बट फिर भी ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एटलीस्ट इंडिया की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत मेजर खुशी का स्टेप है कि दे कैन विजिट देयर श्राइन जिसको वो सालों से ड्रीम कर रहे थे कि दे कुड विजिट इट इजीली। तो इस तरीके से ये करतारपुर कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। प्लीज कीप अप वॉचिंग द लेक्चर्स, कीप ऑन कमेंटिंग देम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दिस फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।